महान चिकित्सक हेवलॉक एलिस ने सेक्स से संबंधित हर उम्र के व्यक्ति पर रिसर्च की और सैकड़ों बुद्धिमान डॉक्टर की मदद से कई अद्भुत किताब लिखी, जिसमें एक किताब है साइकोलॉजी ऑफ सेक्स। इस किताब में उन्होंने हस्तमैथुन मैस्टरबेशन पर एक चैप्टर लिखा है। उन्होंने यूरोपीय देशों में हस्तमैथुन के मामलों की जांच की तो पाया -11 साल की उम्र से 21% पुरुष और 49% महिलाएं हस्तमैथुन शुरू कर देते हैं। 12 से लेकर 14 साल तक 44% पुरुष और 15% महिलाएं हस्तमैथुन शुरू कर देते हैं। 15 से लेकर 17 साल की उम्र में 30% पुरुष और 6% महिलाएं हस्तमैथुन शुरू कर देते हैं। 18 साल और उसके बाद 5% पुरुष और 30% महिलाएं हस्तमैथुन शुरू कर देती है। कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकलता है कि 90% से ज्यादा लोग किसी न किसी उम्र में हस्तमैथुन जरूर करते हैं और बहुत कम उम्र से ही इसे जाने अनजाने शुरू कर देते हैं। वो लिखते हैं, हस्तमैथुन से सामान्य रूप से शरीर को किसी भी तरह की कोई हानि नहीं पहुंचती। डॉक्टर रोवी ने ये तक कहा है कि कई बार हस्तमैथुन करना हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। हस्तमैथुन से हमारे दिमाग में दबे हुए विकार चिंताएं दूर होती है और शांति महसूस होती है। बहुत अधिक हस्तमैथुन करने से बुरे परिणाम पर भी उन्होंने लिखा कि इससे व्यक्ति नपुंसक बन सकता है या उसे न्यूरोस्थेनिया रोग हो सकता है। इस रोग में व्यक्ति हमेशा थका हुआ और शक्तिहीन महसूस करता है और उसे कोई भी काम करने की इच्छा नहीं होती। सेक्स की इच्छा या वीर्य को जबरदस्ती रोकने से हमें कई तरह के मानसिक रोग हो सकते हैं। वीर्य के वेग को रोकने की वजह से लोग एक सपनों की दुनिया में जीने लगते हैं, एकदम भारी भारी महसूस करते हैं, उन्हें हर तरफ सेक्स और कामवासना ही दिखाई देती है। कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकलता है कि डॉक्टर कहते हैं, सेक्स और हस्तमैथुन मैस्टरबेशन को बिना पाप समझे अच्छी तरह स्वीकार किया जाना चाहिए। इसमें पाप या रोग जैसा महसूस करने जैसा कुछ नहीं है। अब बात करते हैं हमारे देश की संस्कृति इस बारे से हजारों सालों से हमें क्या कह रही है। सर्जरी के पिता कहे जाने वाले सुश्रुत जी अपनी किताब सुश्रुत संहिता में बताते हैं, भोजन खाने के बाद उसका रस बनता है, फिर 5 दिन तक वो पचता है, फिर उससे खून बनता है, खून से मांस बनता है, मांस से मेद शरीर में चर्बी बढ़ना बनता है, मेद से हड्डी बनती है, हड्डी से मज्जा बनता है और मज्जा से अंत में वीर्य बनता है। 32 किलो खाने से 800 ग्राम खून बनता है और 800 ग्राम खून से 20 ग्राम वीर्य बनता है। वीर्य शरीर की सबसे अंत में बनने वाली और सबसे सबसे कीमती चीज है, जिसे बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। शरीर में 7 चक्र मौजूद है। हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे वाले हिस्से में 1 चक्र मौजूद है, जिसे मूलाधार चक्र कहा गया है। ऋषि कहते हैं सेक्स ऊर्जा इसी जगह छिपी हुई है। अगर हमारी सेक्स ऊर्जा इस पहले मूलाधार चक्र से ऊपर उठकर दूसरे चक्र में आ जाए तो हम सेक्स या वीर्य बर्बादी के पागलपन से मुक्त हो जाएंगे और हम वीर्य बर्बादी बंद कर देंगे। वीर्य बर्बाद करना ही उपाय नहीं है, बल्कि अपनी सेक्स ऊर्जा को उसकी जगह से ऊपर उठाना ही एकमात्र उपाय है, ताकि इतनी कीमती वीर्य ऊर्जा व्यर्थ न होने पाए। वीर्य की ऊर्जा ही आपके शरीर में रहकर दूसरी बेहतर ऊर्जा में बदलेगी, जिससे आपकी बुद्धि और चरित्र का विकास होगा। दोस्तों, आपके लिए 2 ऑप्शन है, डॉक्टरों की बात मानकर और अपने मन की सेक्स ऊर्जा के धक्के की वजह से आप सालों से वीर्य को बर्बाद कर रहे हो। इसे ट्राई करो 1 महीने के लिए, नियम धर्म से चलो और महीने भर अपने वीर्य को बर्बाद मत करो। 1 महीने में ही आप एक अलग ऊर्जा और मानसिक शक्ति महसूस करने लगोगे। गंदी फिल्म रील्स, गंदी बातें, गंदे भोजन, गंदे शब्द, इनसे 1 महीने के लिए दूरी बना लो। योग करो, पढ़ाई करो, अच्छा खाना खाओ, ध्यान करो, ये सब चीजें आपको 1 महीने ब्रह्मचारी रहने में मदद देंगी। डॉक्टर अपनी जगह सही है, लेकिन उन्हें कौन समझाए कि हमारे देश के ऋषियों ने हमें हर चीज का रास्ता बताया है। ऊर्जा बर्बाद मत करो, बल्कि उसे सही दिशा दो। दोस्तों, मेरे कहने पर आप में से कितने लोग 1 महीने ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए तैयार है, वो कमेंट में यस लिखें। एक और बात, सेक्स या हस्तमैथुन के विषय में बातें करने से लोग डरते, शर्माते या मजाक बनाते हैं, लेकिन ये शर्माने का नहीं, सीखने का विषय है। इस वीडियो को अपने छोटे भाई, बहनों, बच्चों, दोस्तों तक बिना डरे शेयर कीजिए, ताकि उन्हें डॉक्टर और ऋषियों दोनों के विचार की सही जानकारी हो। इस वीडियो को शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। एक और बात, ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। पूरी वीडियो इतने प्रेम भाव से देखने के लिए आपका शुक्रिया। ये वीडियो मेरे गुरुओं के चरणों में समर्पित।